दोस्तों, एक हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो डाला था इंडोर प्लांट्स की कटिंग्स लगाई थी, उनका आज मैं अपडेट दूंगी और कौन सी कटिंग्स चली हैं कौन सी नई, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसी ठंड में घर में अंदर बैठ के इंडोर प्लांट्स की कटिंग्स खूब सारी आप लगा सकते हैं। और मैंने ऐसे प्लांट्स बताए थे पिछले हफ्ते जो वीडियो डाली थी, जो इनकी कटिंग लगभग एक हफ्ते के अंदर ही चल जाती हैं, तो आज मैं उनका अपडेट आपको दूंगी। लगभग ऐसे ही 7 से 8 दिन ही हुए होंगे वीडियो मैंने डाला था जब, तो चलिए देखते हैं कौन सी हमारी कटिंग चली हैं और कौन सी नहीं। कुछ कटिंग्स मैं लगाती रहती हूँ हमेशा, तो ये सारी जो कटिंग्स थी इनको 7-8 दिन ही हुए हैं। लगभग मुझे लग रहा है सभी कटिंग्स हमारी चल गई हैं। कटिंग्स का रिज़ल्ट 100% भी मिल जाता है, 70% भी, 50% भी, लेकिन जो भी मिलता है वो बिल्कुल फ्री का होता है, यानी कि फ्री में हमारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, अब ये हमने 6-7 तरह की कटिंग लगाई थी, और अगर आप देखें तो कोई भी इंडोर प्लांट्स 100 से 500 के बीच में आता है, तो काफ़ी सारे हमारे प्लांट्स बन जाएंगे और ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं। सबसे पहली जो कटिंग है वो है एग्लोनिमा की, लिपस्टिक एग्लोनिमा की। देखिए, दो जड़ें आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल अच्छे से ये प्लांट हमारा चल गया है और बहुत ही जल्दी इसमें जड़ बन जाती हैं, तो ये बिल्कुल इसमें अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा ये हमारी सिंगोनियम की कटिंग है। सिंगोनियम की कटिंग भी लगभग रूट्स बनना इसमें स्टार्ट हो गई है, छोटी सी दिख रही होगी सफ़ेद रंग की आपको। देखिए, अभी इसकी जो जड़ है वो बहुत लंबी नहीं हुई है, लेकिन बनना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि ये भी चली गई है लगभग। अगर हम इसको और थोड़े दिन पानी में रख दें तो इसकी जड़ें लंबी हो जाएंगी, और इसको मिट्टी में भी लगा देंगे अभी तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। मनी प्लांट की देखिए, ये वाली जो कटिंग है ये नहीं चली है अभी, इसमें कोई जड़ नहीं बनी है। दो पत्तियाँ लगाई थी मैंने, तो ये एक पत्ती ही है, इसमें कोई जड़ नहीं बनी है। दूसरी वाली जो है उसमें देखिए कितनी लंबी हमारी जड़ बन गई है, एक हफ्ते के अंदर ही। देखिए, सिर्फ एक ही पत्ती है ये और हमारी कटिंग चलना स्टार्ट हो गई है। अगली कटिंग्स हैं हमारी ये वेंडरिंग जू की, देख लेते हैं। ये तो 2 से 3 दिन में ही चलना स्टार्ट हो जाती है, और पानी में तो इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी जड़ें बन गई हैं कि आपस में इलज भी गई हैं। मिट्टी में अगर हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं तो थोड़ा कभी कभी गलने का भी डर रहता है, लेकिन इस तरह से जड़ें बनाकर आप लगाएं तो ये फटाफट चल जाएगी। देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी जड़ बन गई हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं और खूब सारी बास्केट्स या फिर हैंगिंग पॉट में इसको लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है ये। इसके अलावा हमने फिलीडेंड्रोन की जो कटिंग लगाई थी वो भी हमारी देखिए चल गई है। ये प्लांट बहुत महंगे आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए, इसमें तो चारों तरफ से जड़ें बन गई हैं। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छे से चली है कटिंग, और हमारा नया प्लांट समझिए तैयार हो गया है। 4-5 रूट्स निकली हैं इसमें। दूसरा जो लाइम वाला है ये भी हमारा चल गया है, इसमें भी जड़ें बन गई हैं। दो जड़ें तो इसकी काफ़ी बड़ी हो गई हैं देखिए, और छोटी छोटी कई जड़ें और बन रही हैं। तो अभी मैं इनको मिट्टी में लगाऊंगी और हमारे नए प्लांट्स तैयार हैं। 6-7 प्लांट हमारे नए बन गए हैं और लगभग एक हफ्ते के अंदर ही बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग सारी चल गई हैं। ये समझिए बिल्कुल 100% ही रिज़ल्ट मिला है, सारे ही प्लांट्स चल गए हैं। बस एक मनी प्लांट की पत्ती नहीं चली है, वो भी हो सकता है कि अभी चल जाए। अब मैं उसको डायरेक्ट ही मिट्टी में लगा दूंगी, तो अभी सबके लिए मिट्टी भर लेती हूँ। ज़्यादातर प्लांट्स मैं हैंगिंग पॉट में ही लगाऊंगी, तो चलिए लगा लेते हैं इनको। देखिए, सभी में मैंने मिट्टी भर ली है, और ये जो हैंगिंग पॉट हैं सबको मैं विंडो पर टांगूंगी, इंडोर जो मेरी विंडो है। तो दोस्तों, अभी सारे प्लांट्स लगा लेती हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, सभी को लगा लिया है और टांग दिया है, तो 6 से 7 प्लांट हमारे बिल्कुल फ्री में तैयार हो गए, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो ये कटिंग सारी ऐसी हैं जो एक हफ्ते के अंदर चल जाती हैं, और आसानी से हम अपने फ्री में नए प्लांट्स बना सकते हैं। इस विंडो पर इसी तरह से कुछ और हैंगिंग पॉट्स टांग के अच्छा सा ग्रीन सी विंडो इसको बना दूंगी। तो वैसे प्लांट्स लो तो काफ़ी महंगे आते हैं, कटिंग से अगर हम बना लें तो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी खूब सारी कटिंग्स लगाइए और खूब सारे नए नए प्लांट्स बनाइए।
मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।